सो गाइस, आप देख रहे हैं अप्पी भाई का चैनल मार्क 11। अप्पी भाई के घर पे आज हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की याद में दरीम का एहतमाम किया जाता है। तो आज हमारे घर में भी दरीम बन रहा है। तो पहले तो मैं आपको दरीम की छोटी सी रेसिपी बता दूं कि दरीम बनता कैसे है। तो दरीम को बनाने के लिए सबसे पहले आपके पास एक बड़ा पतीला होना चाहिए, और उसके बाद आप उस पतीले में पानी गर्म कर लें हसबे ज़रूरत जितना आपके पास अनाज है। तो आपने गेहूँ और जेहूँ एक साथ उस पानी में, गर्म पानी में मिला देना है। जब गेहूँ और जेहूँ गल जाएँ, गलने का मतलब होता है कि पेट फट जाएँ, तो पेट फटने के बाद आप चने की दाल इसमें डाल दें। तो अब आपने गेहूँ जेहूँ और चने की दाल को आपस में मिला दिया। अब जब चने की दाल गल जाएगी तो उसके बाद आपके पास मूंग मसूर और चावल और जितने भी दालें हैं वो सब मिला के मिक्स करके आप दलीम में डाल दीजिए। डालने के बाद अब आपने करना है ये तमाम चीज़ें गला लेनी है। जब ये चीज़ें गल जाएंगी, गलने के बाद अब आपको इसके लिए कौरमा तैयार करना है। जो कौरमा बनता है घर में, जो अमूमन कौरमा होता है, आप चिकन लाइक करते हैं तो चिकन का बना लीजिए, आप बीफ का मतलब बीफ लाइक करते हैं तो बीफ का बना लीजिए। ये अब आपके डिपेंड करता है कि आपको कौरमा किस चीज़ का बनाना है और दरीम किस चीज़ का तैयार करना है। आपने चिकन का या बीफ का कौरमा बना के जब कौरमा बन जाए, बनने के बाद आपको इस दरीम के अंदर जो दालें और अनाज हमने गलाए इसके अंदर डाल देना है। डालने के बाद अब आपको इसमें हल्दी का इस्तेमाल करना है, क्योंकि जब इसमें हम हल्दी डालेंगे तो इसका एक येलो शेड आएगा। जब येलो शेड आएगा तो पता चलेगा दरीम बन रहा है, ठीक है। तो अब आप इसमें जो है अपना हल्दी का इस्तेमाल कर लेंगे। हल्दी जो है हसबे जायका हसबे ज़रूरत रखेंगे, ताकि काला भी ना रहे और येलो ज़्यादा भी ना हो। कुछ अनाड़ी लोग जो कभी कभी दलीम बनाते हैं ना, तो वो क्या करते हैं, या तो कभी बिल्कुल बेसन की तरह कर देते हैं या बिल्कुल पीला कर देते हैं, ऐसा लगता है कि बेसन बना हुआ है। तो हमें बेसन नहीं बनाना है, हमें दलीम बनाना है। और गलाना भी इतना है कि इसके जो दाने ना वो हमारे मुंह में, ज़्यादा ग्राइंड भी नहीं करना है, ग्राइंडर से नहीं चलाना है। ये जो घोटा है ना, देखिए घोटा, ये इसके लिए एक स्पेशल घोटा होता है। तो ये घोटे का इस्तेमाल करें, थोड़ी जान लगाएं। जब जान लगाएंगे ना तो दलीम भी बनेगा, फिर खाने में मज़ा भी आएगा। थोड़ी मेहनत करें। आजकल के बच्चे क्या करते हैं कि वो दलीम बनाते तो हैं, बट वो ग्राइंडर से ग्राइंडर लगा देते हैं, और ग्राइंडर से बिल्कुल वो पीस जाता है, तो उसमें मज़ा नहीं आता है। तो अभी देखिए हमारे दरीम तैयार है। अभी इसमें हमने कौरमा नहीं डाला है। जब कौरमा डालेंगे तो इंशाल्लाह ताला इसमें और शेड आएगा और अच्छा लुक आएगा, और खाने के बाद टेस्टी भी होगा। तो मैं आपको खा के बताऊंगा कि इसका टेस्ट कैसा है। आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहें। आप देख रहे हैं मार्क 11। थैंक यू वेरी मच।